गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। जैसा कि हम लोग आपके सब्जेक्ट ME 303 के वीडियो लेक्चर सीरीज पे वर्क कर रहे थे, जिसमें हमने आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि है स्टीम कंडेंसर्स स्टार्ट किया था। स्टीम कंडेंसर के जो फर्स्ट लेक्चर थे कुछ, उनमें हमने देखा कि क्या होता है स्टीम कंडेंसर। फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा बेसिकली, देन उसके बाद जो एक कंडेंसिंग प्लांट के मेन एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया, और आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर्स। मेनली कंडेंसर्स को जो क्लासिफाई किया जाता है, तो जो कंडेंसर्स हैं उन्हें मेनली जो क्लासिफाई किया गया है वो टू टाइप से किया गया है, जिसमें पहला है जेट कंडेंसर और मिक्सिंग टाइप कंडेंसर। जो सेकंड टाइप है वो है सरफेस कंडेंसर और नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर। लेकिन नाम से ही क्लियर हो रहा है वैसे तो कि जो जेट कंडेंसर है वो मिक्सिंग टाइप है। अब कंडेंसर में बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी जो स्टीम है और जो कूलिंग वाटर आ रहा है वो अपनी हीट एक्सचेंज कर रहे हैं। तो मिक्सिंग टाइप का मतलब है कि उनमें डायरेक्टली वो मिक्स कॉन्टैक्ट में आएंगे, और नॉन मिक्सिंग टाइप में वो कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। फिर भी हम इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या जेट कंडेंसर होता है और क्या सरफेस कंडेंसर होता है, या इनके भी क्या क्लासिफिकेशन फर्दर हैं। देखते हैं। हाँ, सबसे पहले जेट कंडेंसर, इसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज अपन ले लेते हैं। तो इन जेट कंडेंसर्स देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द एग्जॉस्ट स्टीम एंड कूलिंग वाटर। ये मैंने आपको बताया कि जो एग्जॉस्ट स्टीम होगी टर्बाइन से और जो कूलिंग वाटर होगा जो कूलिंग वाटर टावर से आएगा उसके बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा, और द टेम्परेचर ऑफ द कंडेंसेट इज सेम एज दैट ऑफ कूलिंग वाटर लीविंग द कंडेंसर। अब ये भी बात सिंपल है कि देखिए, जो दोनों फ्लूड हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे आएंगे, लेकिन अगर उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है तो फाइनली वो एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे दोनों रीच करेंगे। तो जो दोनों का टेम्परेचर होगा कंडेंसेट का जो निकल रहा है, और जो कूलिंग वाटर जो अभी हीट लेकर निकल रहा है, दोनों का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। हीट एक्सचेंज अकर्स बाय डायरेक्ट कंडक्शन बिटवीन द स्टीम एंड वाटर। यही चीज है, डायरेक्ट कंडक्शन हो रहा है आपका। इफ द कोई और इसमें मोड काम नहीं कर रहा है, इफ द कूलिंग वाटर इज नॉट प्योर एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल इम्प्योरिटीज देन द कंडेंसेट कैन नॉट बी रीयूज एज फीड वाटर टू द बॉयलर। देखिए, अब इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका क्या है ड्रॉबैक है एक तरह से ये, कि अगर जो कूलिंग वाटर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, अब अगर वो प्योर नहीं आ रहा है, देखिए हम लोग उसे अगर कूलिंग टावर यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं तो वो फिर भी प्योर आता है, अदरवाइज अगर वो प्योर नहीं आ रहा है बिकॉज कहीं रिवर या फिर सोर्स से आ रहा है वो, और अगर उसमें हार्मफुल इम्प्योरिटीज से वो फ्री नहीं है, तो क्या होगा कि जो कंडेंसेट होगा, लेकिन अब जो कूलिंग वाटर है वो कंडेंसेट से डायरेक्टली मिक्स कर रहा है, तो वो जो अपनी इम्प्योरिटीज है वो कंडेंसेट को भी दे सकता है। तो कंडेंसेट को हम लोग क्या करते हैं कि उसे रीयूज नहीं कर सकते फीड वाटर के तरह। तो इससे क्या होगा, ड्यू टू द लॉस ऑफ कंडेंसेट एंड हाई पावर रिक्वायरमेंट बाय द पंप दीज कंडेंसर्स आर रेयरली यूज्ड इन मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट्स। तो वही मैंने आपको बताया कि जो कंडेंसेट अगर हम यूज नहीं कर पाएंगे तो उसका लॉस हो जाएगा, तो इससे और हाई पावर रिक्वायरमेंट भी होगी पंप की, तो उसके चक्कर में क्योंकि टेम्परेचर उसका ज्यादा है, तो उसके चक्कर में क्या होगा कि मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट में इन इस टाइप के कंडेंसर्स को हम लोग रेयरली यूज्ड करते हैं। तो ये था आपके लिए जेट कंडेंसर। अब हम बात करते हैं कि इसे और फर्दर कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो वो तो क्या है टाइप्स ऑफ जेट कंडेंसर्स या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ जेट कंडेंसर्स। तो देखिए, जेट कंडेंसर्स को जो है मेनली तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है लो लेवल जेट कंडेंसर्स, दूसरा है हाई लेवल जेट कंडेंसर्स, और तीसरा है इजेक्टर जेट कंडेंसर्स। अब देखिए, लो लेवल जेट कंडेंसर्स जो हैं उसको भी फर्दर ही दो टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है। वो क्या है, उनकी डायरेक्शन के बेसिस पे। तो पहला है ए पार्ट, उसमें पैरेलल फ्लो टाइप, जिसमें क्या होता है द स्टीम एंड द कूलिंग वाटर फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन। ये हमने हीट एक्सचेंजर में भी पढ़ा था, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर।
तो यहाँ पे भी वही दो टाइप्स है डायरेक्शन के बेसिस पे, फ्लो डायरेक्शन। तो यहाँ पे सेकंड जो रहेगा वो आएगा काउंटर फ्लो टाइप, द स्टीम एंड द कूलिंग वाटर फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन, वही चीज है। और इस तरह से ये तीन जो क्लासिफिकेशन है, अगले लेक्चर्स में हम आपको पूरा डिटेल में इनका बताएंगे कि इनमें कैसे कैसे प्रोसेस होती है। अभी हम एक बेसिक आइडिया के लिए आपको नेम इनके बता रहे हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सरफेस कंडेंसर पे, कि सरफेस कंडेंसर्स क्या होते हैं और इनका क्या क्लासिफिकेशन है। इन सरफेस कंडेंसर्स देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द एग्जॉस्ट स्टीम एंड द कूलिंग वाटर। देखिए ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन मिक्सिंग टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी स्टीम होती है, एग्जॉस्ट स्टीम, और जो कूलिंग वाटर आता है, उनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है। अभी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो कैसे होगा हीट ट्रांसफर, वो समझते हैं। द स्टीम सराउंड्स द ट्यूब्स फिटेड इन द कंडेंसर शेल एंड द कूलिंग वाटर सर्कुलेट्स थ्रू दीज ट्यूब्स। देखिए क्या होता है, कंडेंसर होता है, कंडेंसर के अंदर कंडेंसिंग ट्यूब्स लगी होती हैं बहुत सारी, ठीक है, और एक शेल होता है उनके चारों तरफ। तो जो ट्यूब्स हैं उनमें तो क्या है, आपका कूलिंग वाटर फ्लो करता है, और जो शेल है जो ट्यूब्स के सराउंडिंग में, उसमें क्या होती है, आपकी जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो फ्लो करती है। तो ये अब जो है आपको एक बीच में सेपरेट बाउंड्री के थ्रू ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा वो आपको दो मोड में होगा, एक तो आपका कन्वेक्शन होगा और एक कंडक्शन होगा। कन्वेक्शन तो क्या होगा कि जो स्टीम से उसकी इसके ट्यूब की सरफेस तक जो आएगा वो कन्वेक्शन से होगा, और ट्यूब की जो सरफेस है, ट्यूब की जो बाउंड्री वॉल है, उसके थ्रू जो होगा वो कंडक्शन होगा। देन उसके बाद अंदर का जो होगा वो भी कन्वेक्शन से होगा। तो यही चीज लिखी हुई है, द स्टीम गेट कंडेंस ड्यू टू द हीट ट्रांसफर टू द कूलिंग वाटर बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ। समझ आया आपको कहाँ कहाँ पे, ये मैं आपको हीट ट्रांसफर में भी समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए वही ट्यूब्स रहेगी, ट्यूब्स की जो बाउंड्री वॉल होगी उसमें तो कंडक्शन होगा, और जो उसके ऊपर और नीचे अंदर की साइड जो होगा वहां पे कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होगा। तो द कंडेंसेट कलेक्टेड फ्रॉम दीज कंडेंसर्स इज रीयूज्ड एज फीड वाटर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कूलिंग वाटर आपका कैसा भी हो, लेकिन हमारा जो स्टीम है, जो एग्जॉस्ट स्टीम है, वो इससे कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो जो कंडेंसेट है हमारा वो एकदम प्योर आएगा, उसमें कोई किसी तरह की इम्प्योरिटीज नहीं होगी। तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फीड वाटर की तरह रीयूज कर सकते हैं बॉयलर में, और उससे क्या होगा कि हमारे जो है एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, कॉस्ट भी कम होगी। और तो इसीलिए दीज कंडेंसर्स आर मोर सुटेबल फॉर मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। अब देखिए क्या है, दीज आर जनरली यूज्ड वेयर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर वाटर इज अवेलेबल। ये जनरली वहीं पे यूज किए जाते हैं जहां पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर हो एंड बेटर क्वालिटी ऑफ फीड वाटर इज सप्लाइड टू द बॉयलर। तो इसलिए यहाँ इसमें जो होगा बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। सो दीज कंडेंसर्स आर यूनिवर्सली यूज्ड इन मरीन इंजन्स। जो मरीन इंजन्स होते हैं वहां पे भी हम इन्हें यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग सी वाटर को कूलिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो वहां पे हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल है, तो वहां पे हम इसे यूज कर सकते हैं। द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दीज कंडेंसर्स इज इट्स हाई इनिशियल कॉस्ट बट इज रिकवर्ड बाय द सेविंग इन रनिंग कॉस्ट। देखिए ओनली एंड ओनली जो ड्रॉबैक है इस टाइप के सरफेस कंडेंसर्स का, वो क्या है कि इनकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो हाई होती है, लेकिन ये भी आपका रिकवर हो जाता है किसमें, जो रनिंग कॉस्ट है उसमें वो सेव हो जाता है। क्यों, क्योंकि रनिंग कॉस्ट में आप देखिए कि यहाँ पे वाटर हम लोग रीयूज कर पा रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट बच जाती है, हमारी पंप की कॉस्ट, हमारी एनर्जी कम लेता है तो वो हमारी बच जाती है। तो इस तरह से इसकी रनिंग कॉस्ट कम होने के कारण ये हमारा मैचअप कर लेता है। तो ये हमने देखा स्टूडेंट्स कि सरफेस कंडेंसर्स क्या होते हैं, कैसे ये डिफरेंट होते हैं, और क्यों ये जनरली यूज किए जाते हैं मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट्स में, मैक्सिमम ये ही यूज किए जाते हैं। अब इन्हें और फर्दर कैसे क्लासिफाई किया गया है वो हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सरफेस कंडेंसर्स, तो द सरफेस कंडेंसर्स में भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, देखिए इनको कई तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है डायरेक्शन ऑफ कंडेंसेट फ्लो एंड ट्यूब अरेंजमेंट, वही चीज है,
कि कंडेंसेट के एक तो फ्लो होगा और एक ट्यूब का अरेंजमेंट होगा, उसके बेसिस पे तीन तरह से इन्हें हमने क्लासिफाई किया है। पहला है डाउन फ्लो टाइप, दूसरा है सेंट्रल फ्लो टाइप, तीसरा है इन्वर्टेड फ्लो टाइप। तो ये तो हो गए कंडेंसेट फ्लो और ट्यूब अरेंजमेंट के ऊपर। सेकेंड हमारा है नंबर ऑफ वाटर पासिस के ऊपर, तो उसमें सिंगल पास हो गया, डबल पास हो गया और मल्टी पास हो गया। थर्ड जो है हमारा वो है इवेपोरेटिव टाइप। तो इस तरह से इन तीन तरह से हमने इसको क्लासिफाई किया है। अब स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इनकी स्टडी डिटेल में आपको बताएंगे कि तीनों टाइप्स जो जेट कंडेंसर के थे वो कैसे कैसे वर्क करते हैं, वो जो सरफेस कंडेंसर के हैं वो कैसे वर्क करते हैं, ये आगे के लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। सो आज के लेक्चर्स में हमने देखा कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर्स मेनली दो टाइप से होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा उनमें यूज किया जाता है ज्यादा, और दोनों को फर्दर क्लासिफाई कैसे किया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।